Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Padho Learn Together. उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने कितना करवा दिया है, मैंने 12.1 का 12.4 का पार्ट 1 भी करवा दिया था, जिसका क्वेश्चन मैं 1, 2, 3 पढ़ा था। अब उसी के आगे से क्या कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे पास क्या सवाल बन करके आ रहा है। तो इसमें भी क्या करना है, आपने शो डॉट करना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। और बहुत आसान सा सवाल है, हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, जिसमें आपके पास टारगेट पेपर और प्रीलिम पेपर, तमाम कॉलेज के पेपर्स, उस वाले ग्रुप में ऐड होना है, तो उसमें ऐड होने का तरीका बहुत आसान है। आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट मुझे मैसेज करना है। मेरे पास दो ग्रुप है, एक पब्लिक ग्रुप है और एक प्राइवेट ग्रुप है। अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपने क्या करना होगा, मुझे मैसेज करना होगा, सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में बता दें और उसका क्या प्रोसीजर है और उसकी क्या पेमेंट है, जबकि एक दफा आपको पेमेंट करनी होगी। जबकि आपके पास जो पब्लिक ग्रुप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको यूट्यूब के लिंक्स मिलेंगे। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, टू प्रूफ करोगे, जो चीज सॉल्व करना होता है उसे क्या करते हो, प्रूफ लिखते हो। ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, साइन इनवर्स अपॉन 77 अपॉन 85, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है, इक्वल टू का निशान कॉस इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, -87/4/25, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैंने आपको लिख के दिखा दिया, जो कि मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब क्या लिखूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो चीज सॉल्व करना होगा वही चीज को लिखोगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या वैल्यू है बेटा, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स लिखूंगा और 77/85 लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, साइन इनवर्स लिखूंगा और क्या लिख दूंगा, 3/5 लिख दूंगा। ठीक है, ये टर्म को मैंने लिख करके आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आपने लेट करना, ठीक है, सबसे पहले लेट करना कि टी जो है वो किसके बराबर है, इस पूरे टर्म के बराबर है, साइन इनवर्स 77/85 जबकि प्लस का निशान साइन इनवर्स किसके बराबर है, 3/5 के। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर है, टी के बराबर है। और एक और चीज लेट करना कि मेरे पास जो ए है वो पहली टर्म है, कौन सी टर्म है, साइन इनवर्स 77/85 मेरे पास क्या है, मेरे पास ए है, जबकि मैं बी जो है मेरे पास क्या बराबर हो जाएगा बेटा, मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स और 3/5। ठीक है, मैंने क्या करा, ए को इसके बराबर ले लिया, बी को इसके बराबर ले लिया, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करा, टी को बराबर ले लिया किसके, साइन इनवर्स 77/85 जबकि साइन इनवर्स 3/5 के। ठीक है, तो ये टर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें एक एक करके इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है, ताकि हम क्या कर सकें, इस पूरे सवाल को सॉल्व कर सकें। हमने यहाँ तक ए और बी को लिख लिया, अब क्या करेंगे, अब हम साइन को इक्वल टू के से पहले लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, मैं ए लिखूंगा और साइन पहले आ जाएगा, तो कैसे लिखता हूँ, पहले मुझे साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, ए सा थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो साइन लिखूंगा, ए लिखूंगा किसके बराबर हो जाएगा, 77/85 के। तो क्या लिख दूंगा, 77/85, तो 77/85 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी हो जाएगा बेटा, साइन पहले आ जाएगा, बी बाद में हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए और साइन बी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा, क्या होता है मेरे पास, कॉस ए बराबर होता है मेरे पास, मतलब कॉस थीटा बराबर होता है 1 - sin² a के। ठीक है, जो यहाँ पे ए होगा वही यहाँ पे होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, ये हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था। अब क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, ए लिखेंगे, वन लिखेंगे, वन लिख देंगे माइनस का निशान, साइन की जगह क्या आ जाएगा, 77/85 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, अब इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैं इस साइड सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं 77 का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देख लेते हैं कि मेरे पास अगर 77 का स्क्वायर लेना है तो उसकी वैल्यू क्या बन करके आएगी। तो 77 का स्क्वायर मेरे पास होता है, यहाँ लिख देता हूँ, कॉस ए जो है मेरे पास रूल वैसी लगा हुआ है, वन वैसी लिखा हुआ है, माइनस का निशान, 77 का स्क्वायर 5929 आता है, जबकि मेरे पास 85 का स्क्वायर क्या होता है ये भी देख लेते हैं, जल्दी से इसको मिटाते हैं और 85 लिख देते हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 7729। तो क्या लिखना, 7225 है। ठीक है, 7225। ठीक है, अभी 7225 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 7225 -5929 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 7225। ठीक है, एलसीएम ले लिया हूँ। ठीक है, तो जरा माइनस करके देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 5929 को अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा, मेरे पास यहाँ पे 1296 और नीचे क्या आ जाएगा, 7225। ठीक है, अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, जरा रूट ले लेते हैं, मैं रूट बताता हूँ और क्या लिख दूंगा मैं,
2296 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है मेरे पास 7225, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 36/85। तो क्या ले लूंगा कॉस ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, कॉस ए की वैल्यू बन के आ रही है 36/85। ये आपको मैंने एक करके दिखा दिया है पूरा, अब नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगा डायरेक्टली अप्लाई करके दिखा दूंगा, ठीक है। वैल्यूज को डायरेक्ट भी अप्लाई करके हो जाता है। साइन बी की वैल्यू क्या 3/5 है, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा कि साइन अगर बी है तो मेरे पास कॉस बी किसके बराबर होगा, कॉस बी बराबर होगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, वही साइन स्क्वायर बी, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी नहीं साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, कॉस लिखूंगा बी लिखूंगा रूट लगाऊंगा 1 लिखूंगा माइनस साइन की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन की वैल्यू है साइन बी की 3/5, तो 3/5 हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली रूट में वैल्यूज की निकाल लेता हूँ, 1 लिखता हूँ, ठीक है, रूट लिखा मैंने, फिर इसका क्या लिखा 1 लिखा, माइनस करवाया किससे मैंने करवाया 3/2 से, ठीक है, और उसका क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू जो बन करके आ रही है उसको देख लेते हैं मेरे पास। तो पहले मुझे इसका रूट लेना ही पड़ जाएगा, तो पहले मैं ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ वरना आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने वैसे ही लिख दिया, रूट लिखा मैंने, 1 लिखा, ठीक है, माइनस का निशान, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 9 होता है, और 5 5 से क्या होता है 25 होता है, तो कॉस बी वैसे ही लिख दिया, ठीक है। फिर रूट लगाया, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9 किया, और क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब क्या करना होगा, अब सिंपली इसे हमने माइनस करना होगा, तो 25 को 9 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 का कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 5 5 का 25 होता है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस बी भी निकल गया, कॉस ए भी निकल गया, और इन दोनों की वैल्यू को क्या किया हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा लेंदी सा सवाल है, पेपर्स में यह तमाम सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको तैयारी करना है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड सॉल्व किया है, लेकिन राइट साइड अभी भी हमारे पास किया है रहता है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे अब राइट साइड को बनाने के लिए पहले मैंने क्या करा, कॉस ए की वैल्यू निकाला, कॉस बी की वैल्यू निकाला। अब क्या लिखोगे, अब तुम लोग करोगे टेकिंग लोगे, एक काम करोगे, जो मेरे पास था ना पी जो बराबर था किसके बराबर था ए प्लस बी के, मैंने लेट किया हुआ था ना, कि लेट किया था कि टी जो था वो इसके बराबर था, ठीक है, इस वाले साइड, और ये ए के बराबर था और ये बी के बराबर था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो टी है वो किसके बराबर है, ये ए के बराबर प्लस बी के बराबर, ठीक है। मैंने क्या करा, टी को लिया क्या, ये ए था ये बी था, तो मैंने क्या कर दिया ए और बी लिख दिया। मैं लिख सकता था इसमें, कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या लिखो बेटा, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड लिखो, क्योंकि मुझे कॉस लेकर आना है, तो क्या लिखो, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, बोथ साइड क्या ले लेंगे, कॉस ले लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। पहले ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, पहले लेट करेंगे कि ये तमाम टर्म टी के बराबर होगा, फिर क्या करेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, उससे ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर देन बी की वैल्यू निकालेंगे, और उसको निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, टी को लेंगे, इसको फिर से ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, दोनों को दरमियान ऐड का निशान है, तो ऐड लगा लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, टी लिखूंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, और क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। हमें मालूम है कि जब भी कॉस लगा हुआ और ए प्लस बी लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ हो, तो हमारे पास क्या होता है, अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस का निशान, फिर क्या होता है मेरे पास साइन, बल्कि माइनस का निशान होता है, सॉरी, माइनस का निशान, साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। जब भी हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है तो हम क्या लगाते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला लगा करके। तो अब क्या करना होगा, अब आपने इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, मैं कॉस टी को वैसे ही लिखता हूँ, और इसके बाद कॉस टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉस टी को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, कॉस ए एंड बी है, तो कॉस ए इस अल्फा इसा ए, बीटा इसा बी, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, फिर क्या आएगा, कॉस बी, ठीक है, माइनस का निशान, फिर क्या आ जाएगा, फिर साइन की वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन अल्फा है, तो क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा, ठीक है। हमें सबकी वैल्यू मालूम है, कैसे, कॉस ए की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या है, कॉस ए की वैल्यू हमने लाया था 36/85, जबकि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ये कॉस बी से, तो कॉस बी की वैल्यू क्या आई थी बेटा मेरे पास 4/5, ठीक है। जबकि हमें ये भी मालूम है कि साइन ए की वैल्यू क्या आती है, साइन ए की वैल्यू मेरे पास ये वाली थी 77/85, तो क्या लिखूंगा 77/85, जबकि मेरे पास साइन बी की वैल्यू क्या थी, आई थिंक सो 3/5, तो क्या लिख दूंगा 3/5। ये तमाम वैल्यूज थी, इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना और देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है।
तो मैं आपको अभी करके बता देता हूँ कि मेरे पास क्या है। अगर 36 को क्या करूँगा, 36 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं अपॉन 36 अपॉन 85 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 4 अपॉन 5 से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 144, क्या आएगा 144 अपॉन 425, ठीक है। माइनस का निशान, आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 77 अपॉन 85 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 3 अपॉन 5 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 231, ठीक है, 231 अपॉन 425, और इन दोनों एक दूसरे से माइनस करवा देना। मैं क्या करता हूँ, इसको रब करता हूँ और उस साइड वाले हिस्से में लिखता हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, थोड़ा सा काम कर सकूँ और इसको एक दूसरे के इक्वल लेकर आ जाऊँ, ठीक है। मुझे लेकर आना ये वाली वैल्यू, जरा देखते हैं क्या होता है। इस वाले हिस्से को भी मैंने रब कर दिया, अब क्या करना होगा, इन दो डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू सेम है, तो कॉस लिखूंगा, टी लिखूंगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, 425 आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा, 425 लिख दूंगा, और ऊपर 144 लिखूंगा, 144 माइनस 231, तो क्या लिख दूंगा, 231। अब क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे कि 144 जो है वो माइनस होगा 231 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 87 आएगा, ठीक है, माइनस का 87, तो लिख दूंगा कॉस टी जो है वो किसके बराबर है, माइनस के 87 के, और नीचे 425। बेटा मुझे कॉस इनवर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉस को उधर ले जाऊंगा, तो टी यहीं पर आ जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 87 माइनस का 425, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हमने क्या कर लिया, इस सवाल को भी देखो कितने जल्दी से सॉल्व कर लिया, क्योंकि लेंथी से सवाल था, तो इसलिए हमें थोड़ा लगा इसमें टाइम सॉल्व करने में, लेकिन आखिरकार हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया।